अस्सलाम वालेकुम सर। बस नाम कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, ओके, गुड इवनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप ओके ओके, लास्ट जो अस्सलाम है वालेकुम सर। बस नाम लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स में रह गए थे जो इनका टेस्ट नहीं हुआ अभी। टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है, क्लास में लैंग्वेज एग्जाम जाने के लिए टेस्ट का पास करना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज क्लास शुरू करनी है, उसमें कौन कौन उस वक्त उसमें टेस्ट में नहीं था? एक सर मैं नहीं थी। कायनात आप नहीं थी, और कौन था वो? मेरे पास जरूर तो लिखा हुआ जो स्टूडेंट थे, तीन स्टूडेंट मौजूद थे आई थिंक सो। जी बिलाल भी नहीं था उसमें, और हमजा आप भी नहीं थे। जी जी सर। बाकी मेरे स्टूडेंट्स का जो है वो टेस्ट हो गया था। टेस्ट को शुरू करते हैं। सर मैं मंडे कल दे दूं टेस्ट। ये क्या वजह, रीजन क्या है? हमने लैंग्वेज शुरू करनी है ना, ये तो सिस्टम है ना। सर वो मैं गाँव गई भी थी, मैंने रिवाइज बिल्कुल नहीं किया। आज सुबह वापस आई हूँ तो तो टाइम नहीं मिला रिवाइज करने लैंग्वेज को का। कैसे हम बोर्ड पे कर सकते हैं? और सर कर स्टूडेंट्स जो है लेंगे, मैं ना, कल चल आप टेस्ट सर दे स्टार्ट देना। करवा दे लैंग्वेज। सर अभी रिवाइज बिल्कुल भी नहीं किया हुआ। नहीं 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 वो एक सिस्टम है यहाँ पे कि वो ग्रामर के बगैर आगे नहीं जा सकते ना, क्लास को फी लेके बगैर आगे नहीं। बड़ा अहम टेस्ट होता है लैंग्वेज क्लास में जाने के लिए। आप टेस्ट दे दें, अल्लाह मालिक है। तभी तो तैयारी तो आपने की होगी ना, कि बिल्कुल तैयारी नहीं किया आपने? सर ने की थी ना, मैं जनसी पढ़ गई थी, मैं गाँव चली गई थी तो फिर आज सुबह ही वापस आई हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। फिर ये है कि मसला। हाँ जी बिलाल खान, आप तैयार हैं टेस्ट के लिए? अच्छा बिलाल खान, नहीं सर, खाली ट्रस्ट क्या कह रहे हैं? सर। आवाज आ रही सर? हाँ जी यार ये पूछो बोलो, क्या कह रहे हैं सर, कल ले लें टेस्ट, कल ले लें। यार? ये क्या बात हुई? अच्छा ये और कौन है यहाँ पर? जलील का टेस्ट हो गया था। हमसे आप बताओ। जी सर। जी आपकी तैयारी कैसी है? सर इतनी खास नहीं है। शाबाश, सारे एक ही लाइन पे खड़े हो गए। आप देख लें अभी इसको अच्छे से तैयार करें, आप प्रैक्टिस करें आज, ठीक है ना? यस आपको टेस्ट से बाहर आगे नहीं जा सकते, कोई रह गया तो उसको इधर ही स्टॉप कर दूंगा मैं। तो आप तैयारी करें अच्छी तरह, इसको देखें, रिवीजन का मसला है मुझसे पूछें आप, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अपने उनको देखें, चीज़ों को पक्का करें, डेट इंटरेस्ट स्पीच को पक्का करें आप, क्योंकि ये आपके इस अगर टेस्ट में नहीं है तो ये आपके फाइनल टेस्ट में लाजमी आ सकते हैं, डेट इंटरेस्ट स्पीच। सर इस सर टेस्ट में कल नहीं टेस्ट लेंगे। जिसमें मैं शामिल नहीं सर किया, टेस्ट में कल क्या मैं क्या है? इंस्ट्रक्ट में गया हूँ मैं, लेकिन ये है कि आप अपनी तैयारी रखें पक्की, और आपके डेट स्पीच इंटरेस्ट स्पीच को कौन से नहीं पूछे, आपसे नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन आपके फाइनल टेस्ट में ये लाजमी आएंगे। ये आप बता दूं पहले आपको, आपके फाइनल 3 मंथ के बाद सर आप एक्टिव उसमें लाजमी है, सर एक्टिवेशन एक्ट या डेट भी इंडस्ट्री लाजमी आपके आएंगे। अभी तो नहीं मैं आपसे पूछ रहा, बाकी आप देखें चीज़ों को, ठीक है ना? यस सर। देखें पार्ट उसकी से लेकर और एक्टिव पैसे बच तक देखें इसको अच्छी जरूरत है।
बाकी स्टूडेंट्स जो है ना जिनका टेस्ट हो गए हैं वो ड्रेफ्ट की जो इंडेक्स स्पीच को जरा देखें अच्छी तरह, कोई मसला से मुझसे पूछें आप ड्रेफ्ट की जो इंडेक्स स्पीच होगी आपके फाइनल टेस्ट में लाजमी आएंगे ये, और पहला सवाल ही आपका यही होगा। यस हो गया ना, वो ड्रेफ्ट की इंडेक्स स्पीच को जरा देखें जरा, वो कोई मसला मुझसे पूछें जिनके टेस्ट होने हैं वो उनकी नहीं कह रहा, वो तो क्या रिविजन करेंगे इन चीज़ों को एक्टिव पैसिव वाइज तक, लेकिन बाकी आप जिनके टेस्ट हो गए वो उनको देखें ड्रेफ्ट की इंडेक्स स्पीच को देखें जरा, कोई सवाल है बसे पूछें आप, तो आज का टाइम भी क्लास जाया नहीं करनी है। नीचे से ये दस साइड पर ऊपर पड़ा हुआ अटेंडेंस है, अटेंडेंस हाँ ले जी। अब्दुल जलील आप उसको देखें, इब्रार आप देखें, ड्रेसिंग इंडस्ट्री भी देखें आप, ठीक है। आपसे मैं पूछूं, मैं आपसे जलील वैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ड्रेक्ट स्पीच इंडेक्ट स्पीच और अब्रार जी पूछूं सर जी पूछ लें, प्रैक्टिस आपकी होगी ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फाइनल टेस्ट का आपको जो होगा 3 मंथ्स के बाद, तो उसमें आपके बड़े काम आएंगे ये, अभी प्रैक्टिस कर लें अभी अच्छा है आपके लिए। मैं आपसे पूछता हूँ ये जो है अपना इब्रार, यस सर, इसको चेंज करेंगे आप जो है इंडेक्स स्पीच में, ही सेड ओके सर, ही सेड आई एम टेकिंग द रेस्ट, ही सेड आई एम टेकिंग द रेस्ट, सर एक दफा दोबारा बोले आवाज नहीं आ रही। He said I am taking the rest. He said I am taking the rest. Taking the rest. जी। He said that I am taking the, he was taking the rest. Good. He said that he was taking the rest. बिल्कुल ठीक है। ये आपका सेटिव सेंटेंस है आपका। अब्दुल जलील आपसे पूछूं? अब्दुल जलील डू यू लिसन मी, कैन यू लिसन मी और नॉट, यू कैन सेंड ए मैसेज, आई कांट लिसन यू। अब्रार यस सर, अगेन यू टेल मी नाउ, आई आस्क यू अगेन यस सर, They said where is your key? They said if where is your key? Where were? गलत। They said if where is your key? They asked.
Yes, sir, last time. Where was his key? If where was his key, okay, sir. Yes, sir. मैंने कहा था कि आप दो तरह से एक टेंस अगर पक्के होने चाहिए, दूसरी की बात यह है मैंने कहा था कि आपको पहचानो पांचों में से कौन सा ये है, पांचों के जुमलों में से कौन सा जुमला पूछा जा रहा है आपसे, बहुत तवज्जा से। ये मैंने आपको टाइम दे दिया, मैंने कहा और तैयारी कर लें आप, क्योंकि फाइनल टेस्ट में आएगा सब कुछ, तो इसलिए मैं आप कह रहा हूँ कि next I ask you again, Abrar. Yes, sir. He says, I offer the prayer. He says, I offer the prayer. Change in the indirect speech from direct speech. He says, I offer the prayer. Offer. Ji, kaun batayega? जलील भाई बता सकते हैं, हुसैन आप भी बता सकते हैं। सर कौन सा जुमला है सर? He says I offer the prayer. He says I offer the prayer. सर he offers the prayer. हुसैन आप बताएं। He says he offered the prayer. गलत। जी दलील। अब्रार। सर he said that he is offering the prayer. गलत। He was offer the prayer. No. He says that he. मैं बताऊं। Prayer. आपने उसको वो तवज्जो नहीं दी आपने कि रिपोर्टिंग स्पीच आकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच भी आकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सिर्फ आपका प्रोनाउन चेंज होगा ना। ही सेज दैट ही ऑफर्स द प्रेयर, वो कहता है कि वो नमाज अदा करता है। क्यों भाई? पूछूं और? यस सर। आप ही हुसैन, आप ही बताओ। शी सेड आई टेक टी, शी सेड आई टेक टी। सर शी सेड डेट शी टेक्स टी। नो। अब्रार, जलील। Sir, she said that she has taken गलत, the tea. गलत, जलील। Sir, she said that she had take tea. No. She took tea. She said that she took tea. उसने कहा कि उसने चाय ली। बात आगे की तो बात बाद में चलेगी ना, उसे प्रेजेंट में थी पहले, बात बाद में चली गई। ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, असर्टिव सेंटेंस है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया था टेस्ट में, इसलिए मुझे पता था मसला है, तो इसलिए फाइनल टेस्ट में लाजमी शामिल होंगे।
और इसके नंबर भी ज्यादा होंगे इसके इस क्वेश्चन के, इसलिए अभी से तैयार हो जाएं आप, जो भी आपकी जब लैंग्वेज हो जाएगी उसके साथ कुछ देखते रहा करें आप, ठीक है ना, इन चीज़ों को भी। जी मैं फिर पूछता हूँ, ये प्रैक्टिस आपकी हो रही है, फिर मैं आया कुछ। अच्छा जो रिविजन करने वाले हैं कोई मसला तो मुझसे पूछ सकते हैं, रिविजन जो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये मसला हमें समझ नहीं, उस पहली का मसला है कोई और ऐसी बात हो, ठीक है, ओके रिविजन वाले। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Keep in mind this thing now. You can ask me today because I have to take a test. Then I have to start briefing on language class tomorrow. By all means, at any cost, I have to start a new spoken English language class. Yeah, next, I ask you. Next, I ask. The mother said to the daughter. The mother said to the daughter. May you live long? कौन बताएगा? The mother said to the daughter, may you live long? Everybody's quiet. Everybody's silent. Try to say something. The mother prayed for the daughter. To the daughter. Yes, sir. To the daughter that She might live long. ये कहाँ से आ गया दोबारा? The mother prayed to the daughter that might you live long. Might you? जिसको आता है वो बता दे, मैं फिर पूछता हूँ। He said, "Alas." I cannot get the success in the exams. He said, alas, I cannot get the success in the exams. Yes, anyone? कोई भी बता सकता है मुझे जिसके टेस्ट हो चुके हैं और वो आप बता सकते हैं मुझे। ट्राई करें। सर मैं करूं? जी बताएं ना। She exclaimed with sorrow that she exclaimed with sorrow that she सर आगे जुमला क्या था? जुमला ही भूल गया। He said, "Alas, I cannot get the success in the exams." That she cannot get the success in the exam. Sorry. No. और कोई बता सकता है और कोई? सर वॉस का आएगा क्योंकि बात माजी में चल रही है। मैं बताऊं? हुसैन या जलील? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। सर he said alas that he had cannot get the success in the exam. बता दूं आपको। He exclaimed with sorrow that he could not get the success in the exams. Can it jab could not aa jayega na? Can it jab could aa jayega? Maadi mein baat chali gayi na? Ye aapka sentence hai na, ye tense nahi hai aapka. He aur phir aapka past perfect tense mein hai aapka jo hai reporting speech. To wahi bhi reporting speech mein se aapka chala jayega maadi mein. He exclaimed with sorrow that he could not get the success in the exams. इतनी मुश्किल चीज नहीं है, वो प्रैक्टिस करो, शाबाश करो, प्रैक्टिस इस तरह ऐसी हो क्या हुआ। रूल्स को जरा देखा करो गौर से ना, रूल्स में ना, रूल्स को फिर खुद बनाए जुमले, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो। चले एक और पूछता हूँ मैं आपसे, कोई भी बता दे मुझे, एनीवन कैन रिप्लाई मी, कैन टेल मी। द फादर सेड टू द सन Clean my room. The father said to the son, clean my room. Yes. Shabash. Try karo, galat hogi to kya ho gaya phir yaar, try to karo. Sir, the father ordered to the son that... Galat. Bas yahi shout ho gaya aap. Galat. Yes. Koi baat nahi, try to kiye na. Next one.
ट्राई करने में कहने के लिए कोई फादर जी कौन बोल रहा है जी? हाँ बिलाल आवाज नहीं आ रही सर। सर सर मेरा नेट बहुत स्लो है सर, बहुत इशू कर रहा है सर। मैं बताओ? हाँ बताओ बताओ सर। दीपादर ऑर्डर सर, दीपादर ऑर्डर दैट द सन टू क्लीन माय रूम। सर दीपादर ऑर्डर द सन टू, कौन बोल रहा है? यस बोले बोले। द फादर ऑर्डर्ड द सन टू क्लीन हिज रूम सर। The father ordered the son. The father ordered the son. Again. To clean his room. To clean his room. Good. ये ठीक हुआ ना? Good try. इस तरह ही आप सीखेंगे आप. Try करें लाजमी कहने के लिए हो जाता होता है. जब try आप जो try try again. Next, I ask you next question. He said. Where was his house? He said, where was his house? अब चेंज करो इसको. कौन करेगा? अक्ल से काम लेंगे, दिमाग से काम लेंगे. सर मैं बताओ? ये बताएं. Sir, he asked. He asked if Veeri was his house. Dobara batao. He asked if Veeri was his house. Ye to ha bilkul theek hai. Aage to sahi bana hua hai. Aage masla hai, pehle wo halwa bana hua hai. Aage theek hai. He asked if where was his house. Sir, aapne wahan pe kya sir, aapne shuru mein ask lagana hai bas aur if lagana hai aapne. Theek hai na? कसम खत्म कर देंगे. ओके गुड ट्राई, बिल्कुल ठीक बताया. ऐसे ही होता है, कामयाबी ऐसी मिलती है जी. अब मैं फिर एक जुमला बोल रहा हूँ आपके सामने. शी सेड आई गो टू मार्केट. शी सेड आई गो टू मार्केट जी. हुसैन आप बताएंगे? Yes, sir. बताओ. She said, I go to market. She said that she go to market. गलत. जी. वो try तो की ना, जो कोई बात नहीं. जी अबरार, जलील. She said, I go to market. Sir, she said. जी. Why अलग हवा? अबे अबरार तेरे तो अबे जमे को. She said that she went to market. Good. She said that she went to market. बिल्कुल ठीक है. अब प्रैक्टिस जरा करें ना, ठीक हो जाएगा मामला. थोड़ी प्रैक्टिस और कर लें आप, मामला कभी कुछ सारा करके मामला ठीक हो जाने हैं. ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांग रहे हैं और कुछ नहीं है. इतना मुश्किल नहीं है ये. प्रैक्टिस करेंगे आसान हो जाएंगे ये. थोड़ा सा प्रैक्टिस को बढ़ा दें. फिर मैं पूछता हूं आपसे, द मदर सेड टू द डॉटर वॉश द पॉट्स बर्तन धो जी. The mother said to the daughter, "Wash the pots." Sir, ordered. Ji. The mother ordered the daughter. Yes. To wash the mother ordered the daughter to wash. गलत कर दिया. बिल्कुल एक गलती बड़ी गलती बन गई है. सर दी मदर ऑर्डर्ड द डॉक्टर टू वॉश द पॉट्स. टू वॉश द पॉट्स, टू से जोड़ने आपने बड़ी बड़ी ठीक है. टू आपने पहले जोड़ा दिया था. यस सर, मैंने जोड़ा तो वो नेट आहिस्ता इसलिए आवाज ठीक नहीं है. ठीक है ठीक है, कीप इट अप, कोशिश जारी रखें आपने जी. अच्छी कोशिश थी, आपने सही बताया. नेक्स्ट
अब मैं आपसे फिर पूछता हूं, फिर पूछता हूं. ही सेड आई फिनिश्ड माई वर्क. ही सेड आई फिनिश्ड माई वर्क. जी he said that he finished her work. Galat. Next. His work. Galat, galat. Next. Koi aur batayega? He said that he had finished his work. No. He. मैंने फिर पूछता हूँ. मैंने पूछा आपसे. He said. He said, I finished my work. ये मैंने पूछ कहा था आपको. चेंज कर दूं. He said that he had finished my work. Finished his work. My जब his आ जाएगा. Good try. बाकी ठीक हो गया आपका. My जब his आ जाएगा ना. Okay. हाँ. Good. जी. नेक्स्ट वैसे पूछ रहा हूं मैं. ही विल से आई शैल गो टू मरी. ही विल से आई शैल गो टू मरी. जी अब्रार ने भी इसी तरह बताया था. बताए ना. बता दूं मैं आप. Sir, he will say that he could go to Mari. No. He will say that he will go to Mari. आपके reporting future का जो है वो future definite tense में है और आपके reporting future future definite tense में है तो कुछ कैसे tense को change नहीं करेंगे आप. यह assertive sentence है आपका. जाहिर है उसका that लगेगा. ये असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टिंग में आपका जो है वो पावरफुल है. ये चीजों को थोड़ा कर ले प्रैक्टिस. हो रही है. जी फिर पूछूं. यस सर. ट्राई अगेन इज द गारंटी ऑफ सक्सेस. I ask you again. Next, I ask you. They said, we shall go to Multan. They said, we shall go to Multan. Yes, who will tell me? I have to wait for you now. Sir, they shall that. या क्या कहा आपने? अगेन बताएं क्या कह रहे हैं. दे शेल दैट. ये शेल कहां से आ गया? दे सेड. अच्छा सेड सेड. हाँ ठीक है. दे सेड दैट. दे सेड दैट दे विल वेंट टू मरी. गलत. टांगे तोड़ दिया आपने. दे विल. नो नो नो. दे सेड. यस हुसैन. दे सेड. Sir, they said that they would go to Multan. Well done. Ye hui na baat. They said that they would go to Multan. Wo jab wo aapka hai reporting ka past perfect tense mein hai to will aapka would mein chala jayega. Ki baat kuch samajh aa rahi hai meri ya pichli bhi ja rahi hai bilkul. Lekin improvement ho rahi hai practice karne se ye hoti hai improvement. आपका जब फाइनल टेस्ट होगा उसमें जाहिर है वो सोच समझ लिखेंगे आप. आपके लिए और आसानी हो जाएगी उसमें. ठीक है ना. प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें ताकि वहाँ मसला ना बने. पूरे पूरे नंबर इसमें आते होते हैं. 100% मार्क्स आप ले सकते हैं. जी नेक्स्ट आई आस्क यू अगेन. दे सेड हुरा वी गॉट द प्राइज. यस दे सेड हुरा वी गॉट द प्राइज. कौन बताएगा? Who will tell?
Anyone? Sir, they exclaim with joy that we get the prize. Quite wrong, quite wrong, quite wrong. Next one. Next try. Who will try? Main bata dun? Sir, they exclaimed with joy. With joy that they had a prize. They had got the prize. They had got the prize, yes. They had got the prize. ये आपका पास दोनों पास परफेक्ट टेंस में है तो इंडेक्स स्पीच में आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका पास परफेक्ट टेंस में चला जाएगा. ये मामला है सारा. मैं आपसे फिर पूछता हूँ एक बताएं. द एल्डर ब्रदर सेड टू द यंगर ब्रदर. द एल्डर ब्रदर सेड टू द यंगर ब्रदर टू कंप्लीट योर वर्क. द एल्डर ब्रदर सेड टू द यंगर ब्रदर कंप्लीट योर वर्क. कौन बताएगा? Who will tell? Looks like Kashmir issue, I think so. Sir, the elder brother ordered the younger brother to complete work. थोड़ी सी गलती कर दी है. 95% ठीक बताया, 5% गलती कर दी है. कौन ठीक करेगा अभी गलती इसको? सर सर आखिर में हिज वर्क आएगा. सर आखिर में हिज वर्क आएगा. हाँ, जोर जा पे हिज आएगा ना. मैं आप रिपीट करता हूँ, रिपीट इसको, ये करेक्ट करता हूँ मैं. द एल्डर ब्रदर ऑर्डर्ड द यंगर ब्रदर टू कंप्लीट हिज वर्क. सिर्फ ये गलती उसने की, बाकी ठीक बताया था उसने. लेकिन अगर ये गलती करेंगे आपसे, ये गलती तो होगी, पूरा गलत, पूरा जुमला गलत हो जाएगा आपका. इस तरह है, इन दिस वे. नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं. आई आस्क यू अगेन. असलम सेड वेयर वाज माई नोटबुक. वेयर वाज माई नोटबुक. असलम सेड वेयर वाज माई नोटबुक. यस. Sir, Aslam asked if where was his my notebook. Where was his notebook? Very good. Sir, my notebook. Very good. Question mark rahega, khatam ho jayega. Sir, khatam ho jayega. Certainly. We have to remove to question mark or interrogative sign will remove. I ask you next question, next direct speech, and you have to change in the indirect speech. He said, I finished my work. He said, I finished my work. Yes. Sir, he said that he had finished his work. Okay. दोबारा बताओ बच्चे.
he said that he had finished his work. He had finished his work. Yes, sir. Well done. Good, son. Next. उसने पहले ठीक हुआ है, मेहनत कर रहा है बचाइए, ठीक है. नेक्स्ट आई आस्क यू, ही सेज आई एम पंक्चुअल. उस वो कहता है मैं वक्त पाबंद हूं. ही सेज आई एम पंक्चुअल, कौन चेंज करेगा? He said that he is punctual. जी क्या बताया आपने? Again, he says. He said that he is punctual. Very good, very good. ऐसा ही है. अब फिर पूछ रहा हूँ मैं, अब next पूछ रहा हूँ कि they will say we shall win the match. They will say, we shall win the match. Who will change? Who will change in the indirect speech? Who will do it? Anyone? They will say that we should... Bole, tumhara pata hai? They will say that they will win the match. आपने that लगाया और we को दे में चेंज कर दिया आपने. और दे के साथ को पता ही है कि will लगेगा, shall नहीं लगेगा, ठीक है. अभी वर्ड चेंज कर दिया आपने. इन चीजों को समझना है आपने. कर जाएंगे मेरे ख्याल में इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह. फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको होता है ना, भाई ग्रुप में मैं मैसेज कर दिया करें कि भाई ये सर मुझे बता दें तो आपको मैं, क्योंकि लैंग्वेज क्लास में तो शुरू हो जाएगी, उसमें उर्दू बोलने पे पाबंदी लग जाएगी, बैन होगा उस पर, ठीक है ना. वैसे भी हमने ग्रामर डिस्कस नहीं करनी है, हमने लैंग्वेज में तो लैंग्वेज ही होगी. सर टेस्ट अभी लेंगे कि कल लेंगे? क्या कह रही हैं आप? टेस्ट अभी लेंगे कि कल लेंगे? टेस्ट आपका कल ही होगा ना, अभी तो टेस्ट नहीं हो सकता ना. कल पे टेस्ट होगा, फिर इसके बाद पास ज़ाहिर जो इसको करने के बाद दूसरी लैंग्वेज की, फिर कल उसके बाद उसकी ज़्यादा हदायत हैं, उसकी अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसलिए मैं तीनों और टेस्ट आपका कल होगा, ठीक है ना. हमजा, बिलाल और आप. सर जी मेरा भी लेना. जी सर जी मैं भी दे दूँ. और यार छोड़ो यार, क्या नंबर कम लेने आप? गलत बात है ना, फिर बाकी तो है ना, सारी भी हो सर. टेस्ट बात लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा. जिनके टेस्ट हो गए हैं उनके टेस्ट नहीं होंगे, उनके जिनके टेस्ट नहीं है उनके टेस्ट लेना जरूरी है. आप अपने हिसाब से करते रहना, सुनते रहना, आप अपने हिसाब से करते रहना, आप अपने जहन में कि कितनी आपकी जो अपने माइंड में लिखते रहना वहां बैठ के, जो ठीक है ना. ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं. टेस्ट हो रहा है, चेंज है उसमें चीजें.